So students, today we are doing lesson number 4, The Refugee by K.A. Abbas. Refugee का means होता है शरणार्थी. तो present lesson हमें एक ऐसी कहानी वर्णित करता है जिसमें शरणार्थियों के बारे में बताया गया है. And writer is K.A. Abbas. ये कहानी 1947 के टाइम की कहानी है, जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी अपने लिविंग प्लेसेस को छोड़कर जा रहे थे. तो स्टोरी को रीड करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. एंड हु इज़ राइटर? के ए अब्बास, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास. ही वॉज बोर्न इन 1914 एंड वॉज डाइड इन 1987. ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन फिल्म डायरेक्टर. वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, नॉवलिस्ट थे, स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट थे. इनका बर्थ पानीपत हरियाणा में हुआ था. ही वॉज well versed in Urdu, Hindi and English and was renowned for his versatile, having graduated with a BA in English Literature in 1983 and LLB. वो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इन सभी में well versed थे, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उनकी इन लैंग्वेजेस पर. और वो अपने versatility के लिए जाने जाते थे, अपनी जीनियस के लिए जाने जाते थे इन लैंग्वेज में. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से BA किया था 1983 में, और इसके अलावा LLB किया था, जो कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था 1935 में. ही बिगेन हिज कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, फर्स्ट बाय जॉइनिंग द नेशनल कॉल. उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी, एंड देन लेटर द बॉम्बे क्रॉनिकल. पहले नेशनल कॉल में उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर कार्य किया, और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल में काम किया. वो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग्स के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं. 1946 में उनकी जो स्क्रिप्ट थी, डॉक्टर कॉटनिस की कहानी, की अमर कहानी, द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ डॉक्टर कॉटनिस, काफ़ी फेमस हुई. इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ अ यंग डॉक्टर्स प्री मेच्योर डेथ एंड हिज फर्स्ट फिल्म धरती के लाल. तो उनकी ये जो कहानी थी, इमॉर्टल स्टोरी ऑफ डॉक्टर कॉटनिस, ये किसी डॉक्टर की प्री मेच्योर डेथ पर बेस्ड एक ट्रू कहानी थी. इसके अलावा उनकी एक फर्स्ट फिल्म जिसका नाम था धरती के लाल या चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, वॉज बेस्ड ऑन बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स. उनकी एक मूवी थी जिसका नाम था धरती के लाल, जो कि बंगाल में आए अकाल पर आधारित थी. तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं कि वो किस तरह से कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन इश्यूज की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे अपने वर्क्स के माध्यम से. अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन द रिफ्यूजी को. द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 ब्लू अवे नियरली मिलियन पीपल लाइक ऑटम लीव्स. अगस्त सितंबर 1947 में जो ट्रेजिक स्टॉर्म आया, 1947 अगस्त में इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उसके बाद अगस्त सितंबर 1947 में जो एक तूफान आया था, उसने मिलियंस पीपल को, बहुत सारे लोगों को पतझड़ के पत्तों की तरह से एक तरह से ख़त्म कर दिया, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर. और ये जो लोग थे, ये देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे. कुछ लोग दिल्ली से कराची जा रहे थे, कराची से बॉम्बे जा रहे थे, लाहौर से दिल्ली या रावलपिंडी से आगरा जा रहे थे, इसी तरह से फ्रॉम नोआखली टू कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका, फ्रॉम लैलापुर टू पानीपत एंड फ्रॉम पानीपत टू मॉन्टगोमरी. मतलब इस तरह से लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए मजबूर थे. थाउजेंड ईयर्स ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज शटर्ड बियॉन्ड रिपेयर. हजारों साल पहले का जो हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, वो इस तरह से बिखर चुका था कि अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था. एज ओल्ड नेबर्स फ्रेंड्स वर रूथलेसली सेपरेटेड. पुराने पुराने फ्रेंड्स और नेबर्स एक दूसरे से निर्दयता से अलग किए जा रहे थे. ब्रदर्स वॉज टोर्न अवे फ्रॉम ब्रदर. भाई भाई से अलग हो रहा था. अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, मिलियंस फाउंड themselves driven to strange and alien soil. इन्हें इनके पैतृक घरों से निकाला जा रहा था, और लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जो अजनबी और अजीब धरती पर पहुंच गए थे अपने घरों को छोड़कर. In October of the year of sorrowful memories, this very storm blew away weak old woman into Bombay. और
इसी सोरोफुल मेमोरीज के बीच इस साल के अक्टूबर के महीने में ये जो स्ट्रॉम था, जो आंधी तूफान था, इसमें दो बेचारी कमजोर बूढ़ी महिलाएं थी जिन्हें कि बॉम्बे में लाया गया, हंड्रेड ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स। ये अपने अपने घरों से, अपने अपनी मातृभूमि से हंड्रेड ऑफ माइल्स दूर आ चुकी थी बॉम्बे में। वन ऑफ देम वाज माय ओन मदर, और राइटर कहता है कि इनमें से एक मेरी मदर थी, एंड अदर वाज द मदर ऑफ अ सिख फ्रेंड एंड नेबर ऑफ माइन, और दूसरी जो महिला थी वो मेरे एक सिख दोस्त की मदर थी और जो कि मेरा पड़ोसी था। वन हैड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब, इन महिलाओं में से एक ईस्ट पंजाब से थी तो अदरवाइज फ्रॉम वेस्ट पंजाब, दूसरी वेस्ट पंजाब से थी, एक पानीपत से थी तो दूसरी रावलपिंडी से थी। बाय अ स्ट्रेंज चांस दे रीच्ड बॉम्बे द सेम डे, और एक अजीब से अवसर, अजीब सा चांस था कि जिससे कि वो दोनों एक ही दिन बॉम्बे पहुंच गई। माई मदर एलोंग विद अदर वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ माई फैमिली वॉज इवेक्यूएटेड फ्रॉम पानीपत इन मिलिट्री ट्रंक एंड ब्रॉट टू दिल्ली। मेरी मदर को दूसरी महिलाओं और दूसरे बच्चों के साथ फैमिली के वहाँ से निकाला गया, और कहाँ से, पानीपत से, एंड इन अ मिलिट्री ट्रक, एक मिलिट्री ट्रक से उसे दिल्ली लाया गया। शी स्टेड देयर फॉर 3 वीक्स क्राउडेड इन अ स्मॉल रूम, वो वहाँ पर 3 वीक्स रुकी और एक छोटे से रूम में, भीड़ भाड़ वाले रूम में, वहाँ पर वो अपने दो अदर फैमिली इसके साथ रह रही थी। एंड देयर केम टू बॉम्बे, देन केम टू बॉम्बे बाई प्लेन, और वहाँ दिल्ली में रहने के बाद वो प्लेन से बॉम्बे आई, बिकॉज इट वॉज स्टिल अनसेफ टू ट्रैवल बाई ट्रेन, क्योंकि अभी ट्रेन से ट्रैवल करना काफ़ी अनसेफ था। माई फ्रेंड्स मदर एलोंग विद हर ओल्ड हस्बैंड केम इन अ रिफ्यूजी कैरावन फ्रॉम पिंडी टू अमृतसर, और मेरे फ्रेंड की मदर अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ रिफ्यूजी कैरावन से पिंडी से अमृतसर आई, फ्रॉम देयर टू रिफ्यूजी कैंप इन दिल्ली, वहाँ से वो एक रिफ्यूजी कैंप, शरणार्थी कैंप के साथ दिल्ली में गई, एंड फाइनली फ्रॉम देयर टू बॉम्बे, और वहाँ से वो फाइनली बॉम्बे में गई। आई कॉल्ड माई मदर अम्मा, मैं अपनी मदर को अम्मा कहकर बुलाता था, एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माजी, और मेरा फ्रेंड अपनी मदर को माजी कहकर बुलाता था। वेन बोथ ऑफ देम अराइव्ड हेयर, जब वो दोनों महिलाएं यहाँ पहुँच चुकी थी, आई डिस्कवर्ड दैट वॉज अबाउट दी ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओल्ड वीमेन, तो मुझे पता चला कि यही एक डिफरेंस था इन दो वूमेन के बीच में, कि एक को अम्मा बुलाया जाता था और दूसरी को माँझी, अदरवाइज दोनों महिलाएँ बिल्कुल सेम थी। माँझी यूज टू लीव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस, माँझी अपने घर में रावलपिंडी में रहती थी। इट वॉज अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग, ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। शी टोल्ड मी वन डे, उसने मुझे एक दिन बताया कि वो वहाँ पर एक दो मंजिले मकान में रहती थी। शी ऑक्यूपाइड दी अपर फ्लोर, वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी, वाइल डाउन बिलो ऑन द ग्राउंड फ्लोर वर शॉप्स, और नीचे वाले फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, मोस्टली टेनेटेड बाई मुस्लिम शॉपकीपर्स और आर्टिशंस, और ज़्यादातर इन शॉप्स के अंदर मुस्लिम शॉपकीपर या आर्टिशंस ने या कलाकारों ने, कारीगरों ने ये दुकानें किराए पर ली थी। मैनी ऑफ हर नेबर्स टू वर मुस्लिम्स, और वो कहती है कि उसके बहुत सारे नेबर्स मुस्लिम थे। देयर वॉज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबरलीनेस बिटवीन ऑल ऑफ देम, अब राइटर बताता है कि उस समय पर उसकी मदर कहती है कि वहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी के बीच में अच्छे पड़ोसियों वाले संबंध थे। मुस्लिम वीमन ऑफ द नेबरहुड कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी बहन जी, जो वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं थी वो इस मदर को सरदारनी या बहन जी कहकर बुलाती थी। वाइल द यंगर वन रिस्पेक्टली एड्रेस्ड हर माजी और चाची, लेकिन जो छोटे एज की महिलाएं थी वो उसे माजी और चाची कहकर बुलाती थी। दैट वॉज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, नॉट ओनली इन रावलपिंडी, बट ऑल ओवर द पंजाब, और ये जो तरीका था लिविंग का, रहने का, ये ना सिर्फ वहाँ के पड़ोस में, ना सिर्फ रावलपिंडी में, बल्कि पूरे पंजाब में सेम था। टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज दी होल वर्ल्ड फॉर माजी, माजी के लिए रावलपिंडी का ये जो शहर था ये पूरा का पूरा संसार था उसका। शी हैड नेवर बीन एल्सवेयर, ये इसके अलावा और कहीं नहीं कभी गई थी। हर सन वर्क फर्स्ट इन लाहौर, उसका सन पहले लाहौर में काम करता था, देन इन कैलकटा, फिर उसने कैलकटा में काम किया, एंड फाइनली इन बॉम्बे, फिर वो फाइनली बॉम्बे में सेटल हो गया। बट टू माजी दिस सिटीज बिलोंग टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड, लेकिन माजी के लिए ये शहर कोई दूसरे संसार की तरह से थे। इफ शी हैड हर वे शी वुड नेवर हैव अलाउड हर सन टू गो फार फ्रॉम होम, अगर कभी उसकी बात रखी जाती तो वो अपने बेटे को इतनी दूर कभी ना जाने देती। शी ऑफन आर्ग्यूड विद हिम, वो
आम तौर पर अपने बेटे के साथ आर्ग्यू करती थी कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी माय सन, कि ये पैसे कमाने का क्या फ़ायदा है. व्हेन इन दिस सिटीज़ यू गेट नीदर प्योर मिल्क नॉर घी, नीदर एप्रिकॉट्स नॉर पीचेस, ग्रेप्स और एप्पल्स एंड बबू गोशाज. जब आपको इन सिटीज़ के अंदर पैसे कमाने का क्या फ़ायदा, जब वहाँ पर ना खाने के लिए प्योर मिल्क या घी मिलता है, ना एप्रिकॉट्स मिलते हैं, ना पीचेस मिलते हैं, ना ही ग्रेप्स या एप्पल्स मिलते हैं और ना ही बबू गोशाज मिलते हैं. वाई इन दिस सिटीज़ दे डोंट इवन नो वट दैट इज़. और शहरों में तो लोग जानते भी नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं. एट होम दे हैड अ बफेलो ऑफ देयर ओन. और वो फिर बताती है कि घर पे तो उनकी खुद की एक बफेलो थी, भैंस थी, गिविंग नो लेस देन 10 शेयर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, जो डेली 10 शेयर्स ऑफ मिल्क देती थी. आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स टू टेक आउट बटर, और फिर वो बटर निकालने के बाद उससे कर्ड बना लेती थी. शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क टू दी होल नेबरहुड. तो फिर वो बटर मिल्क यानी लस्सी को पूरे पड़ोस में बांट देती थी. एवरी वन वुड थैंक हर एंड से, हर कोई उसको धन्यवाद कहता था और कहता था, मे योर सन लिव 1000 ईयर्स माजी, कि तुम्हारे बेटे को 1000 साल की जिंदगी मिले माजी. बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ हर सन. लेकिन जब लोग ऐसा कहते थे तो उसे अपने बेटे की याद आती थी कि वो तो शहर में रहकर होटल का खाना खा रहा होगा, एंड दैट वुड मेक हर सैड, और ये सोचकर वो उदास हो जाती थी. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे.